सभी विद्यार्थियों का यस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। सब्जेक्ट अपने पास में फिजिक्स, और फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट मेजरमेंट एंड यूनिट जो चैप्टर है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और इसी के अंदर जैसे कि कल अपना टॉपिक था, उसमें हमने क्या किया था, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है जिनकी क्वांटिटी टोटल कितनी है 7, उनकी डायमेंशन हमने याद की। तो आज हम क्या करेंगे, डायमेंशंस ऑफ ड्राइड क्वांटिटीज, जो अपने पास में ड्राइड क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशंस याद करेंगे। तो ये ड्राइड क्वांटिटीज हैं कितनी, देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी संख्या कितनी है 7 है उनकी, और जो सप्लीमेंट्री है उनकी संख्या कितनी है 2। उसके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सारी की सारी किसमें आती है, ड्राइड में आती है। तो उनकी डायमेंशंस कैसे ज्ञात करेंगे, और उनके बाद में डायमेंशंस के बाद में उनका मैथमेटिकल फॉर्मूला, डायमेंशंस और यूनिट, इन सब की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर पे हम लेते हैं बात किसकी, एरिया की। एरिया तो यहां पर हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, तो ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का कॉलम हो जाएगा एक। दूसरे कॉलम में हम बात करेंगे इनके मैथमेटिकल फॉर्मूला, इनके फॉर्मूला किस प्रकार से रहेंगे, ये कॉलम थोड़ा बड़ा बना लेंगे। और उसके बाद में एक आपका कॉलम होगा यूनिट का, और यूनिट के बाद में एक कॉलम होगा आपका लास्ट वाला जो कॉलम है, वो कॉलम है अपने पास में डायमेंशंस का। डायमेंशंस, तो सबसे पहले अपने पास में क्या है, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला या मैथमेटिकली फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, वो होता है आपका लेंथ इनटू ब्रिज, यानी हम लिख सकते हैं एल इनटू बी, शॉर्ट में एल इनटू बी, लेंथ इनटू ब्रिज, इसका क्या होता है मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, आपने लिखा भी होगा ए इक्वल टू एल इनटू बी। ये बाकी चीज अलग अलग आता है हरेक में, जैसे कि सर्कल के लिए बात करें पाई आर स्क्वायर, तो वहां पर भी आर स्क्वायर आ गया, यानी एल इनटू बी की टर्म आई जाती है। तो एल इनटू बी, तो एल इनटू बी जो ब्रिज है उसको फिर वापस हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ, यूनिट के लिए हम बात करेंगे तो लेंथ इनटू लेंथ हो जाएगा, और लेंथ के लिए क्या है मीटर, तो इसकी यूनिट इस प्रकार से बनेगी, लेंथ, लेंथ के लिए भी क्या होगी आपकी यूनिट मीटर, और फिर ब्रिज है वो भी एक्चुअल में क्या होती है, एक प्रकार की लेंथ ही होती है, मीटर में ही मापी जाती है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं मीटर, तो यूनिट क्या बन गई आपकी मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं डायमेंशंस की, तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, l into b यानी लेंथ into ब्रिज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ into लेंथ भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर। और आपको पता है कि लेंथ जो है, लेंथ के लिए आपने कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशंस लेंथ के लिए क्या यूज किया था, हमने m यूज किया था, सॉरी l यूज किया था, लेंथ के लिए क्या यूज किया था l, तो इसको हम लिख सकते हैं l। अब ये लेंथ इनटू लेंथ यानी लेंथ का क्या हुआ, और स्क्वायर हुआ, तो हम l का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इसमें m और t है नहीं, तो आप एक तो ये डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो l स्क्वायर, या और आप क्या लिख सकते हो m l का स्क्वायर और t। अब देखो यहां पे l स्क्वायर है तो m और t की टर्म है नहीं, तो यहां आपने को इनकी पावर कितनी लगानी है, 0 0, m की पावर भी क्या लगा देंगे 0, t की पावर भी क्या लगा देंगे 0। अब एक चीज ये है कि हमने m 0 और t 0 लगाया तो ये ऊपर वाला रूप बिगड़ गया कि इसकी फॉर्म है वो बिगड़ी है या यही है। तो देखो कोई भी चीज की पावर जब 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस l स्क्वायर को यदि मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तब भी क्या रहेगा, l स्क्वायर ही रहेगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो l स्क्वायर ही रहेगा। यहां ये m0 क्या वैल्यू दे रही है, 1 की वैल्यू दे रही है, t0 किसकी वैल्यू दे रही है, 1 को दे रही है, और अपना एक्सप्रेशन इसमें हो गया m l और t में, तो ये इसकी क्या हो गई डायमेंशंस, किसकी, एरिया। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए क्या मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, एल डी एच, लेंथ, ब्रेथ, और तीसरी चीज क्या आती है हाइट, ठीक है। तो इसके लिए लेंथ, लेंथ का मेजरमेंट किस में करते हैं, मीटर में करते हैं फंडामेंटल है, ब्रेथ भी किस में करेंगे मीटर में करेंगे फंडामेंटल है, हाइट भी
एज ए लेंथ ही यूज करते हैं, तो ये भी क्या हो गई आपकी मीटर में। तो अब ये देखो ड्राइव्ड कैसे है, यहाँ पे ये क्वांटिटीज ड्राइव्ड कैसे है, इसमें लेंथ इनटू लेंथ यदि हम बोले तो लेंथ इनटू क्या हो गया अपने पास में लेंथ, तो लेंथ और लेंथ का यानी आपके पास में फंडामेंटल क्या है लेंथ, उसका लेंथ का फिर दोबारा उसी फंडामेंटल से क्या हुआ है मल्टीप्लाई हुआ है। तो जब दो आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी चाहे वो सेम हो या अलग अलग हो, उनका यदि डिवाइड हो रहा है, उनका मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है उससे जो अपने को क्वांटिटी मिल रही है वो क्वांटिटी हमेशा कौन सी कहलाती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहलाती है। तो यहां पे देखो मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर आपका क्या हो गया मीटर क्यूब, तो आपके पास में वॉल्यूम होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब। और अब इसकी डाइमेंशंस की बात करें तो यहां पे लेंथ कितनी बार आएगा 3 बार आएगा, लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ यानी ये टोटल क्या हो गया आपका लेंथ का होल क्यूब, लेंथ का होल क्यूब। और लेंथ के लिए हमने डाइमेंशंस क्या यूज की थी एल यूज की थी, तो एल की पावर कितनी हो गई यहां पे 3 यानी एल क्यूब हो गया। और एमएलटी में लिखेंगे तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे एम जीरो एल क्यूब और टी की पावर कितना हो जाएगा आपके पास में 0। तो ये हो गया आपके पास में वॉल्यूम। तो इस प्रकार से ये बड़ा चार्ट हम बना रहे हैं, तो आप रफ कॉपी में इस प्रकार से एक बार इनको नोट कर लेंगे और उसके बाद में आप फेयर कॉपी में भी इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है 3 नंबर पे वो है अपने पास में डेंसिटी, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है डेंसिटी के लिए, डेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है आपका मास अपॉन टाइम, सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है डेंसिटी, जिसको घनत्व बोलते हैं हम, तो मास अपॉन क्या हो गया वॉल्यूम। यहां इसके लिए यूनिट बनानी है, इस फॉर्मूले से बनाएंगे। देखो मास, मास की यूनिट क्या होती है केजी, यहां डिवाइड बाय हमने डिवाइड बाय लिख दिया। वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्या होता है अभी हम ऊपर बना के आए हैं मीटर क्यूब, तो ये हो गया आपका मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। और यहां पे क्या बनाए हम इसके बाद में हमें इसकी डायमेंशंस बनाए, डायमेंशंस के लिए ये फॉर्मूला वापस लिख दे इस साइड के अंदर किस प्रकार से मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास, मास के लिए हमने क्या डायमेंशंस में क्या यूज किया था एम यूज किया था, तो एम कोई पावर नहीं है वन पावर लगा देंगे डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हमने क्या यूज किया ऊपर वाले लिखे एल की पावर 3, तो हम लिख देंगे एल की पावर 3। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा एम वन, ये एल की पावर 3 अपॉन में ऊपर आगे क्या होगा एल की पावर माइनस 3 और टी की पावर क्या हो गया 0। तो ये m1 l की पावर माइनस 3 t 0 ये किसकी डायमेंशन हो गई, ये हो गई लिखने पास में डेंसिटी। इसके बाद में 4 नंबर पे हम बात करेंगे स्पीड की, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के लिए आप देखिए फर्क क्या है, स्पीड होता है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कोई भी एक फॉर्मूले से हम बता सकते हैं, जैसे स्पीड वाला लिख दे डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख दिया। अब इसके बाद इसकी यूनिट बनाए, देखो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किसमें मेजर होता है मीटर में मेजर होता है, तो हम लिखेंगे मीटर और डिवाइड बाय क्या है टाइम, टाइम किसमें मेजर होता है सेकेंड में, तो हम लिखेंगे सेकेंड। देखो इसी प्रकार से आप लोग क्या सोचते हैं, आप सोचते हैं कि फॉर्मूले अलग रहते हैं यूनिट अलग रहते हैं, फॉर्मूलों को अलग याद रखना पड़ता है यूनिट को अलग याद रखना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। यदि आपको फॉर्मूले याद है तो आप यूनिट बना सकते हैं, और कई बार यूनिट अपने पास में दिया हुआ उससे हम फॉर्मूले वापस रिवर्स जाके भी याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से कनेक्टेड जब चीजें रहती है तभी चीजें अपने याद रहती है बेहतर तरीके से, अकेले अकेले आप सेपरेटली याद करोगे तो कुछ भी याद नहीं रहता। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस के लिए आपको यूज करना है मीटर, टाइम के लिए करना है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो गई यूनिट हो गई। अब इसके बाद में डायमेंशंस की बात करें इसी फॉर्मूले से, यहां से इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी आपकी एक्चुअल में डिस्टेंस क्या होती है लेंथ ही होती है, ठीक है। मैं कुछ एक चीजें यहां इस साइड में लिखता हूं,
आप उनको याद रखेंगे क्या, कि एक होती है आपके पास में डिस्टेंस, ठीक है, एक हो गया आपके पास में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक आपके पास में हो गया रेडियस, और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, और भी कुछ टर्म सही मैं बता दूंगा, वो सारी की सारी एक्चुअल में जैसे ब्रीथ है, डी डी टी एच, एक हो गया हाइट, ठीक है, ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं ये घूम फिर के किसको इंडिकेट करती है, ये लेंथ को ही इंडिकेट करती है, ठीक है ना। तो जब भी ये टर्म्स आए और अपने को इनकी यूनिट लिखनी हो तो इनकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर। और दूसरी चीज है, यूनिट के अलावा यदि अपने को यूज करना है क्या, इनके लिए अपने को यूज करनी है डायमेंशंस, तो ये जितनी भी टर्म्स आ रही है इनके लिए डायमेंशंस आपके पास में क्या होगी, जब ये लेंथ को रिप्रेजेंट करती है तब इनके लिए अपने पास में यूनिट होगी, डायमेंशंस होगी एल, कैपिटल एल। तो यहां पे अपने पास में देखो, वहां से याद नहीं रहा भाई डिस्टेंस क्या, समझ में नहीं आया क्या यूज करेंगे, मीटर तो समझ में आ गया, तो मीटर लेंथ को बदलाते हैं, तो मीटर के लिए आपको क्या यूज करना है, एल, तो एल की पावर क्या हो गई अपने पास में, वन डिवाइड बाय, ये क्या है, सेकेंड, यानी टाइम, टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, टी, तो टी की पावर क्या हो गई, वन। अब इसके बाद में इक्वल टू देखो क्या एम है क्या, इसको एक तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एल वन टी, ऊपर आके टी की पावर क्या हो गई, माइनस वन, एल वन टी की पावर माइनस वन। अब इसमें एम क्या है, भैया हम कहेंगे एम है ही नहीं, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करना आपको आना चाहिए भाई, एल वन टी की पावर माइनस वन, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस वन, आपने डायमेंशंस निकाले, कहीं पे पूछा कि वेलोसिटी की डायमेंशंस आपको राइट करनी है, आपने लिखा एल वन टी की पावर एक माइनस वन, आपका सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल सही है। तो फिर एमएलटी क्यों एक्सप्रेस करते हैं, आगे तीन चार इस प्रकार की टर्म्स आएगी, आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर एम नहीं है, और कोई कह दे कि भाई एम के अंदर लिख के दिखाओ तो अपने को क्या सिंपल, इसमें प्रॉब्लम क्या है, एम टर्म है नहीं, फिर भी बोलेंगे लिखो, तो ये लिख दो, दिक्कत क्या, एम की पावर जीरो हो गया था, एल वन और टी की पावर एक माइनस वन। आप कहोगे कि इनमें टाइम की टर्म है नहीं, तो ये इतना ही सही है, बिल्कुल सही है, ये भी इतना सही है, इसलिए L की पावर 3 ये सही है। तो फिर ये MT क्यों लिख रहे हैं, ये साथ साथ में हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे क्या होगी, एक कंपेयर वाली क्रम आएगी आपके, ठीक है ना, कंपेयर में क्या होगा, बोथ साइड आपको कंपेयर करना पड़ेगा, तब आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी साइड के अंदर ये जैसे मान लो एक साइड आपकी L की क्यूब आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां M और T इस साइड में तो आ रहा है, MT उधर नहीं आ रहा है, तो उस साइड में आपको पता होना चाहिए कि जब इस प्रकार की कंडीशन आ जाए तो जहां पे नहीं हो वहां पे आप एम जीरो टी क्या कर दो, जीरो कर दो, कंपेयर के इनको लगाना और हटाना आना चाहिए, मतलब आपको एल क्यूब भी लिखना आना चाहिए, एम जीरो एल थ्री टी जीरो भी आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है ना, जहां आवश्यकता इनकी नहीं हो डायरेक्ट आप एल थ्री लिख दोगे, और जहां पे आवश्यकता हो तुरंत एल थ्री के आगे एम जीरो क्या लिख दोगे, टी जीरो लिख दोगे, वो आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। फाइव नंबर पे देखो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंजेस इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी उसके अंदर जो भी चेंज होता है वो एक्सीलरेशन होता है। कैसे, कोई आपके पास में व्हीकल है वो किसी स्पीड से दौड़ रहा है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से वो दौड़ रहा है, उसके बाद में हमने एक्सीलेटर दबाया, एक्सीलेटर दबाने से उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो वो क्या होता है, एक्सीलरेशन, मतलब जब तक वेलोसिटी में चेंज होता रहेगा तब तक एक्सीलरेशन है, और जब आपने वेलोसिटी में चेंज करना बंद कर दिया तो एक्सीलरेशन आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जो ब्रेक लगाते हैं, हम गाड़ी में ब्रेक भी लगाते हैं, गाड़ी आपकी चला रही है उसमें ब्रेक लगाते हैं, वो होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन, ब्रेक क्या है, नेगेटिव एक्सीलरेशन। उसमें क्या होगा, कोई वेलोसिटी होगा मान लो 100 किलोमीटर पर घंटा से गाड़ी दौड़ रही है, आपने ब्रेक लगाया तो वेलोसिटी 90 फिर 70 60 50 इस प्रकार करके जीरो हो गया ना फाइनली, तो वो क्या कर रहा है, वेलोसिटी को डाउन कर रहा है, इसलिए वो क्या है, नेगेटिव एक्सीलरेशन। और जो गाड़ी के अंदर एक्सीलेटर होता है साइड के अंदर जो ब्रेक के पास में, उसको हम दबाते हैं तो उससे स्पीड बढ़ती है, तो वो क्या होता है आपका, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो ये एक्सीलरेशन दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव भी होता है और एक नेगेटिव होता है।
होता है, सिंपल इतना समझना है, गाड़ी का जो एक्सीलेटर वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है और जो ब्रेक होता है वो क्या होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है। तो एक्सीलरेशन क्या है आपका, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, किसमें चेंज है, वेलोसिटी में चेंज है, तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला लिख दीजिए मैथमेटिकली, इसका फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या, ऊपर बनाइए डायरेक्ट यूज कर लेंगे मीटर पर सेकंड, तो हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड, और फिर डिवाइड बाय, हमने भी दोबारा डिवाइड बाय लिख दिया, ये क्या टाइम, ये फिर सेकंड, इक्वल टू क्या हो गया मीटर पर सेकंड, तो ये इसकी क्या हो गई यूनिट हो गई। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो हम इतनी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं इन यूनिट में, फिजिक्स में एक यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बिना यूनिट के फिजिक्स पढ़ना कोई मतलब वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज ऐसी लेंगे जिनकी यूनिट हम अभी बनाना सीख रहे हैं, यूनिट याद नहीं रहे बाय द वे आपको बनानी आनी चाहिए, तो आप दो चार बार प्रैक्टिस करोगे फिर याद रहने लग जाएगा। तो ये मीटर पर क्या हुआ आपका सेकंड स्केल, अब मीटर के लिए डायमेंशंस क्या है, एल की पावर ए वन डिवाइड बाय, जी सर हाँ, एल वन हो गया, और ये सेकंड का क्या है स्केल, तो सेकंड के लिए हम क्या लिखते हैं टाइम, तो टाइम का स्केल हो गया, तो ऐसे ऐसे नहीं लिखो आप, अब आगे से हम इसको लिख देता हूं मैं, आगे से हम दूसरे फॉर्मूले से इस पे काम करेंगे कि ये क्या आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम है, फिर टाइम है, तो ये फाइनली यदि बात करें ना तो ये हो जाता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम स्केल। कैसे कि वेलोसिटी को हमने लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपॉन टाइम आया, ये आपकी दूसरी और तीसरी जो होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम का क्या हो जाएगा स्केल हो जाएगा। अब डिस्टेंस के लिए क्या यूनिट यूज कर रहे हैं, एल, एल की पावर है 1 डिवाइड बाय टाइम, टाइम का क्या है स्केल, तो टी की पावर है स्केल हो जाएगा ये, और आगे हम बात करेंगे एल 1 और टी की पावर क्या हो जाएगी -2, ये अपॉन 2 है ना, ये ऊपर आके किसका होगा माइनस का, ये चीजें आपको पता है नहीं पता है तो मैं बता देता हूं अभी एक मिनट, और एम है नहीं तो हम लिखेंगे एम 0 एल 1 और टी की पावर -2, तो वो थोड़ी सी बातें मैं अभी आपको बता देता हूं क्या कि आपके पास में जैसे है 1 अपॉन 10 टू पावर 2 है, ठीक है ना, तो 1 अपॉन 10 टू पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख दे सकते हैं 10 टू पावर -2, ये -2 को वापस हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस का मतलब होता है जैसे 1 अपॉन a की पावर क्यूब है, इसको लिख सकते हैं a की पावर -2, और ये माइनस किसको बताता है, पावर माइनस में हमेशा 1 अपॉन a की पावर क्यूब को ही बताता है, ठीक है ना, और नीचे जैसे मान लो 1 अपॉन कहीं पे b की पावर -3, ठीक है ना, तो ये अपॉन में पावर है ना, ये ऊपर आके किसकी हो जाएगी आपकी पॉजिटिव, ठीक, देखो 1 अपॉन b की पावर -3 है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको लिख देंगे कि जैसे a की पावर -3 को 1 अपॉन a की पावर 3 लिखा था, उसी प्रकार 1 अपॉन b की पावर -3 को मैं लिख सकता हूं, ये 1 अपॉन हो गया, फिर 1 अपॉन क्या होगा b की पावर 3, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा b की पावर 3, तो आपको याद ही रखना है क्या कि जहां पे जैसे कि यहां पे 1 अपॉन t स्क्वायर है ये ऊपर जा रहा है किसका हो जाएगा माइनस, और कहीं पे नीचे वैल्यू माइनस की हो वो ऊपर जाके किसकी हो जाएगी प्लस। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही रहेगा, जिसमें हमने टोटल कितने डायमेंशंस याद किए, 5 की डायमेंशंस याद किए, टोटल ये 20 डायमेंशंस है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डायमेंशंस कंप्लीट कर देंगे ड्राइव क्वांटिटीज के, और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।